evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome. I'm your host, Bhavna Sharma. City of Lakes, Bhopal में देश के नंबर वन न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 के इस महामंच पर आप सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करती हूँ. मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुशिक्षा मध्य प्रदेश which is co-presented by Sage University and co-powered by Madhyanchal Professional University, Millennium Group of Institutions, Nirman IAS, Rawatpura College, Datia, Life Insurance Corporation of India, LIC and Reliance Industries Limited. तो सुशिक्षा में आज हम बात करेंगे इस मंच पर मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि सेंट्रल इंडिया के दिग्गज एजुकेशन लीडर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश को किस तरह से तरक्की की राह पर आगे ले जा रहे हैं. हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं हमारे साथ इस मंच की इस महामंच की गरिमा को बढ़ाने के लिए बतौर मुख्य अतिथि जो मौजूद रहेंगे चीफ गेस्ट अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग श्री इंदर सिंह परमार जी. लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें मैं चाहूंगी उन स्पॉन्सर्स को अपने उन सहयोगियों को धन्यवाद देना जिनके सपोर्ट के बिना आज इस कार्यक्रम को साकार नहीं किया जा सकता था. तो हमारे आज के स्पॉन्सर्स हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, निर्वाण IAS, LNCT, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी इंदौर, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, UK पब्लिकेशंस, विजय पाटिल क्लासेस, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द चंपारण हाउस, गरिमा विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रावतपुरा कॉलेज दतिया, LIC. एक बार हमारे सभी स्पॉन्सर्स के लिए तालियां. और अब मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी से अनुरोध करूंगी वो कृपया मंच पर आए और हमारे बीच हमारे सभी अतिथियों को संबोधित करें, उनका स्वागत करें. सबसे पहले तो न्यूज 18 के इस मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं. न्यूज 18 का ये जो विशेष कार्यक्रम सुशिक्षा है लंबे समय से चल रहा है, आप सभी ने देखा होगा, जाना होगा. शिक्षा जगत से आप लोग जुड़े हैं और जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको इम्प्लीमेंटेशन के मामले में खासतौर पर मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है. मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे और उनका जो फोकस है तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे प्रदेश को एजुकेशन में उनका जो लगाव है उसका फायदा मिलेगा. जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदर सिंह परमार होंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार हो रहे हैं, आगे सरकार का क्या प्लान है, आप लोगों के साथ मिलकर सरकार कैसे इस दिशा में आगे बढ़ेंगी, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं. जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आप लोगों के विचारों को भी समझेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आप हम सबसे पहले पैनल डिस्कशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे अलग अलग पॉलिसीज़ के बारे में. साथ ही में आज के हमारे पहले पैनल डिस्कशन में जो मेहमान मौजूद रहेंगे अंबिकेश्वर जी रहेंगे हमारे साथ. प्लीज़ कम ऑन स्टेज फ्रॉम LNCT. साथ ही में मिस्टर आशीष सिंह डायरेक्टर UK पब्लिकेशन, सागर सिंह हेड एडमिशन्स मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी. और इस पैनल डिस्कशन में हमारे चौथे पैनलिस्ट रहेंगे श्री माधव मंत्री जी प्रिंसिपल गरिमा विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल. सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस महामंच पर क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सुशिक्षा के बारे में. सबसे पहले अंबिकेश्वर जी, सर LNCT ग्रुप को अगर मैं ग्लोबल सेक्टर की बात करूं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करूं, किस तरह से क्या कदम उठाए जा रहे हैं अगर LNCT ग्रुप को आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर देखते हैं? LNCT ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो सेंट्रल इंडिया में या मध्य प्रदेश में कहें तो लगभग 31 साल से अपनी लेगेसी को मेंटेन कर रहा है और अभी आज की डेट में आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में या ग्लोबल लेवल पर देखें, क्योंकि हम लोग एज अ इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुए थे, आज हम लोग मध्य प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं. तो LNCT ग्रुप मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में एक अकेला ऐसा संस्थान है जहाँ पे आज अगर आप विजिट करते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लैब, ड्रोन टेक्नोलॉजी की लैब, ये RGPV के करिकुलम में नहीं है या किसी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के करिकुलम में अभी तक नहीं आया है.
LSET यूनिवर्सिटी ने सेल्फ अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब डेवलप कर लिया है। मेरा अगला सवाल मिस्टर आशीष सिंह, सर NEP सिस्टम जो है और NCF 2022 में क्या कुछ जो बदलाव हुए हैं उनको लेकर के आपका विजन क्या है? NEP में जो मेजर चेंजेस जो आया है वो पहले और अभी की बात करें तो एक मेजर चेंजेस है वो है आपका अप्रोच का। अगर आप आर्ट सब्जेक्ट ले रहे हैं, साइंस के साथ कोई आर्ट सब्जेक्ट को मिक्स करना चाह रहे हैं, ये फॉरेन में हो रहा था, इंडिया में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने इसको आइडेंटिफाई किया और NEP में ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सेकंड, आपकी बात करें तो जब AI और टेक्नोलॉजी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है तो कोडिंग को उन्होंने एक बेसिक लेवल से कोडिंग को आइडेंटिफाई करके 6 ऑनवर्ड्स अब कोडिंग को भी उन्होंने एक करिकुलम का पार्ट बना दिया है। तो NEP में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। NCF अगर हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो 2005 के बाद बहुत देर कर दी सरकार ने, गवर्नमेंट ने लगभग 19 साल ले लिया करिकुलम चेंज करने के लिए, तो एक बड़ा बदलाव है NCF। सागर सिंह जी हैं हेड एडमिशंस, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से आप अपने आप को एक विकसित ग्रुप के रूप में आगे देखते हैं? मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये करती है कि हमने कुछ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स चालू किए हैं। जैसे कि आपने पूछा कि विकसित संस्थान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि हमें हमारी लोकल अथॉरिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़, लोकल बिजनेसेस और लोकल जो हमारे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको साथ में आके हमें एक ओपन डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए टूवर्ड्स, मतलब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, एक दूसरे के रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट वी ऑल कैन कम ऑन अ सेम पेज। मेरे साथ श्री माधव मंत्री जी हैं। सर आपके स्कूल में ऐसा क्या है, एजुकेशन की हम बात करते हैं और स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि नींव होता है किसी बच्चे की पढ़ाई का, तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीख लेता है, आपके स्कूल में ऐसा क्या है जो बाकी स्कूलों से अलग बनाता है? सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने स्कूल को ऐसा बना रहे हैं जहाँ पे एवरी वॉइस इज नॉट जस्ट हर्ड बट एड्रेस्ड एंड दैट टू वेल इन टाइम। वी हैव अ चैनल जहाँ पे तीनों पेरेंट्स, मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिंग एज 3 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एवरी वॉइस इज हर्ड। वी हैव स्टार्टेड विद अ काउंसिल नोन एज स्कूल इनोवेशन काउंसिल एंड वी आर वर्किंग ऑन इट नॉट फ्रॉम 11th और 12th बट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल आवर पैनलिस्ट, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए। अगले पैनल डिस्कशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और अगले पैनल डिस्कशन में मेरे साथ पैनलिस्ट के रूप में मौजूद रहेंगे शिवानी अग्रवाल, हु इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम स्टेज ग्रुप, मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। इंजीनियर विनोद यादव जी, चेयरमैन मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मिस ईशा पटेल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मैं शुरुआत करना चाहूँगी शिवानी जी से। मैम, सेज ग्रुप किस तरह बाकी यूनिवर्सिटी से अलग है? सेज ग्रुप का मानना है, यू नो, आर मोटो इज ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी, स्पेशली इन एजुकेशन। व्हेन वी आर, यू नो, एजुकेटेड वेल, तो उससे जो हमें लाइफ में खुशी मिलती है, व्हेन यू नो वी आर प्लेस्ड वेल, व्हेन वी आर अर्निंग वेल, व्हेन वी आर एबल टू अचीव व्हाट वी वांट, वो एक राइट एजुकेशन, एक गुड एजुकेशन से आती है। तो सेज ग्रुप इसी यू नो बिलीफ के साथ एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, व्हेन वी आर हेल्दी वी आर हैप्पी, व्हेन वी आर लिविंग इन गुड सराउंडिंग्स वी आर हैप्पी, तो रियल एस्टेट में यू नो वी आर वर्किंग ऑन द हैप्पीनेस क्वोशेंट अगेन। सो एवरीवेयर द मोटो इज ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी। विनोद जी, सर मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में आप, मैं चाहूँगी आप हमारे बीच जितने भी मेहमान हैं उनको भी और हमारे दर्शकों को भी थोड़ा विस्तार से बताइए। मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है। हम लोग करीब 25 साल से इस फील्ड में हैं और विभिन्न कोर्सेज हम लोग चलाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, फार्मेसी के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, एजुकेशन के कोर्सेज हैं, BEd, DEd से रिलेटेड हैं, नर्सिंग है और बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। करीब 50 कोर्सेज हम लोग चलाते हैं और कई कॉलेजेस हैं हमारे। इसके अलावा हम लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं, हमारी गोविंदपुरा और मंडीदीप में कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, प्लास्टिक से रिलेटेड इंडस्ट्रीज चलाते हैं। कई और क्षेत्रों में हम लोग जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करते हैं। इस तरह से मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन करीब 25 सालों से सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। ईशा जी हमारे साथ है। मैम, अगर हम मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद
किस तरह के ट्रेनिंग, किस तरह के सर्टिफिकेशंस या फिर किस तरह की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो दी जाती हैं या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो किसी अच्छी कंपनी में उसे प्लेसमेंट मिल जाए? मध्यांचल एज एन इंस्टीट्यूट डज टू थिंग्स. ऑब्वियसली इट्स अ मीन्स टू एन एंड. हम बच्चों को अच्छे पैकेजेस भी दिलवाते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स दैट वी फोकस ऑन. वन इज देयर सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन. तो हम इनफैक्ट फर्स्ट ईयर से बच्चों को ट्रेन करते हैं, नॉट ओनली कि वो उनकी एक बस क्लास लगवा दी कम्युनिकेशन की, हम उसको भी एक प्रैक्टिकल वे में एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर्म में कभी थिएटर की कुछ एक्टिविटीज करवा दिए, रोल प्ले करवा दिए. दैट्स वन साइड. एंड द सेकेंड इज टेक्निकल ट्रेनिंग. उनको डोमेन की जो नॉलेज है वो होनी बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के कॉन्स्टेंट लेक्चर्स, इंडस्ट्री इमर्शन, ये दो चीज़ों पे हम फोकस करते हैं. एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच सर. अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ. और अगले पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जो लीडर्स रहेंगे, सबसे पहले श्री विजय पाटिल जी, हु इज़ अ फाउंडर डायरेक्टर फ्रॉम विजय पाटिल क्लासेस. हमारे अगले पैनलिस्ट रहेंगे मिस्टर संजय गुप्ता, हु इज़ अ डायरेक्टर फ्रॉम निर्माण IAS. डॉक्टर संगीता जौहरी, प्रो वाइस चांसलर, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी. मिस्टर अविनाश शर्मा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सबसे पहले तो वेलकम ऑन द स्टेज एवरीवन. श्री विजय पाटिल जी, सर सबसे पहले विजय पाटिल क्लासेस के बारे में आप बताइए दर्शकों को. विजय पाटिल क्लासेस की शुरुआत 2002 में हुई. मेरे को ऐसा लगा कि पढ़ाते तो सभी हैं बट बच्चों के पर्सनल लेवल के डाउट्स, कई बार टीचर क्लास में लेक्चर तो ले लेता है बट बच्चे को कई बार समझ में नहीं आता, तो वन टू वन के लिए भी टीचर अवेलेबल होना चाहिए. तो तभी मेरे को ऐसा आइडिया है कि वन टू वन अगर हो जाए तो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद बहुत सारा हो सकता है. तो 2002 में मैंने इसकी शुरुआत करी और अभी तक काफ़ी अच्छे लेवल पर हमने जेई मेंस, जेई एडवांस लेवल पे बच्चों को सेलेक्ट कराया और अभी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं. डॉक्टर संगीता हमारे साथ हैं. मैम अगर हम NEP के बारे में बात करें जो कि नई शिक्षा नीति है, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं और क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? नई शिक्षा नीति के में तीन आईस की बात होती है, इंटेंट, इंक्लूजन, इनोवेशन. और ये तीन आईस ये बताते हैं कि किस तरह से हमें इनोवेशन करके, इंक्लूड करके चीज़ों को और एक अच्छे इंटेंट के साथ आगे बढ़ना है. और सबसे बड़ी बात जो आजकल आप सब जानते हैं वो होती है एक और आई की, एंड दैट इज़ इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा. तो कहीं ना कहीं हमें अपने जड़ों से जुड़ने में ये नीति मदद करती है. एक होलिस्टिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो ये नीति सहायक है और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में ये नीति सुचारू रूप से चलाई जा रही है. मेरे साथ मिस्टर संजय गुप्ता हैं. सर निर्माण IAS के बारे में बात करें, बच्चा अगर जब भी IAS की कोचिंग लेता है तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं. निर्माण IAS ग्रुप जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है, सबसे पहले इसका राज क्या है? निर्माण IAS के बारे में मैं अगर ये बताऊं कि पहले तो हमारे जो संस्थान है वो दिल्ली में भी है, इंदौर में और ग्वालियर में भी है. और हमारी जो बच्चों तक पहुँच है उसका एकमात्र रीज़न ये है कि हमारी सहज जो अप्रोच है बच्चों तक वो हम लोगों की है, वो उपस्थिति हमारी बच्चों के साथ में कंटिन्यूसली हम लोग जो बैठते हैं, काम करते हैं और जो वन टू वन जो असेसमेंट होता है बच्चों का वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिविल सर्विसेज में, वो हम लोग देने का प्रयास करते हैं. तो मेरा ये मानना है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारी और यही अप्रोच है हमारी. मिस्टर अविनाश शर्मा सर, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात कही जाए तो आपका विजन क्या है और सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए. श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1998, नॉट माय वी बट माय ग्रैंडफादर हु रिटायर्ड फ्रॉम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. इट वॉज हिज विजन टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट. फ्रॉम पास्ट 27 ईयर्स वी हैव कॉन्स्टेंटली नॉट ओनली ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स but we are directly contributing to the economy. Students who are passing on from our group comes through various courses, be it BTech, be it pharmacy, be it management or be it professional studies. बहुत ही शानदार डिस्कशन रहा. आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियां. और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि
श्री इंदर सिंह परमार जी मौजूद हैं, एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग श्री इंदर सिंह परमार जी। और मैं अब अनुरोध करूंगी सुधीर जी से, वो कृपया मंत्री जी को सम्मानित मंच पर लेकर के आएँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुशिक्षा के इस मंच पर हम मौजूद हैं और हमारे बीच विशेष अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल की शुरुआत करते हैं हम। सबसे बड़ी चीज़ है कि शासकीय संस्थानों के साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, निजी संस्थान जो काम कर रहे हैं, आपको लगता है शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से दोनों का संतुलन चल रहा है? 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें सरकार की भूमिका तो है ही, लेकिन समाज की सहभागिता भी उसमें है और कई लोग सेवा के भाव से शिक्षा में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार भी उनका स्वागत कर रही है, मैं भी व्यक्तिगत रूप से स्वागत कर रहा हूं। इस देश के जो जो इशू है उन सब का समाधान करने वाला, नागरिक निर्माण करने में प्राइवेट महाविद्यालय होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, स्कूल होंगे, यानी निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल यूनिवर्सिटी, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, इन दोनों को आप पैरेलल लेकर चल रहे हैं और इसके साथ साथ विद्यावन का कॉन्सेप्ट भी आप लेकर आ रहे हैं। मतलब ये तीन ऐसी चीजें जिसमें आप समाज भी ले रहे हैं, परंपरा भी है और टेक्नोलॉजी भी है। एक प्रत्यक्ष रूप से एक बेटी ने अपने पिताजी से कहा, एक शहर में आई, पिताजी के साथ आई, पिताजी से पूछा ये बड़ी बिल्डिंग जो दिख रही है पापा, ये क्या है, ये काय का है? पिताजी ने उत्सुकता से कहा कि अरे ये स्कूल है बेटी। बेटी ने कहा पापा सचमुच में स्कूल है? ऐसे स्कूल होते हैं गांव का देखा था बेचारे? बोले हाँ बेटी ये स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल है। बेटी की उत्सुकता और बढ़ गई। फिर बेटी का प्रश्न होता अपने पिताजी से, पापा क्या मुझे आप इसमें एडमिशन करा दोगे? पिताजी चुप सन्नाटा। बेटी बार बार पूछ रही थी, बताओ ना पापा, बताओ ना पापा। आखिरी में बेटी के प्रश्नों के सामने निराश पिताजी जवाब देते हैं कि बेटी हम इसमें नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। वो घर जाकर के अपनी पत्नी के सामने कहता कि मैं भी क्या बाप हूं, मैं अपनी बेटी के संकल्पों को पूरा नहीं कर सकता हूं। और मैं समझता हूं कि जहां किसी के संकल्पों को पूरा करने का काम हो और समाज से वो नहीं हो रहा होगा तो उसको सरकार को करना चाहिए। इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे विद्यालय स्थापित करने का भी काम प्रारंभ किया और अच्छे कॉलेज स्थापित करने का भी निर्णय किया। और उसी संकल्प, उस बेटी के संकल्प को, कोई गरीब का बेटे के मन में ये नहीं हो, बेटी के मन में ये नहीं हो कि मैं सरकारी स्कूल की जहाँ जर्जर हालत है, खराब स्थिति, वहाँ पढ़ाई की है, इसलिए अच्छे संसाधन युक्त स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई करके अपने संकल्पों को पूरा करने का अवसर मध्य प्रदेश में हम बच्चों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। और इसीलिए मैं से चाहे वो स्कूल में हम सीएम राइज कॉन्सेप्ट के स्कूल स्थापित करने का वो किया, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो रखा वो भी इसी भाव के साथ हम कर रहे हैं। सभी विषयों की पढ़ाई उसमें होना चाहिए, सभी विषय आना चाहिए और साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा क्रियान्वयन हम इन 55 जो कॉलेज अभी हमने नवाचार करने के लिए चुने हैं उनको हम करने वाले हैं। साथ में कुछ कॉलेज ऐसे भी है जो और इसी प्रकार के हो सकते हैं, उनका भी हम साथ में चयन करने जा रहे हैं। इसलिए हमने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने पर काम प्रारंभ किया। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हम उस पर काम पूरा कर लेंगे और देश में पहला राज्य बनेंगे जिस राज्य के पास में, सरकार के पास में अपनी स्वयं की डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी और हम दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों को और बहुत बहुत दूर के लोगों के द्वारा हम उनको उनका पढ़ाई का, उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से कर सकते हैं, एक प्रकार का एक वो करने जा रहे हैं। वन विद्या वन का कॉन्सेप्ट भी तो भारत की संस्कृति और परंपरा से आया है कि भाई हमारे लोगों ने कहा वन से सब कुछ संभव हो सकता है। इसलिए हमने कॉलेज कैंपसों के साथ एक परिसर डेवलप करने का काम हमने प्रारंभ किया, जहाँ कॉलेज में हमारे पास जगह है वहाँ कॉलेज में करेंगे, लेकिन यदि कॉलेज में नहीं तो दूरस्थ जगह पर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी पर भी दूर भी हम एक विद्यावन स्थापित करेंगे। हम ज़्यादातर वृक्षारोपण का काम करना चाहते हैं और इसलिए विद्यावन स्थापित करके धरती में आके प्यास बुझाने का काम करेंगे। जब हमको प्यास लगेगी तब धरती माता हमको उतना पानी दे सके,
एक प्रकार का सामाजिक दायित्व का भाव हमारे विद्यार्थियों में काम के द्वारा आ जाए, बगैर भाषण दिया जाए, इस प्रकार के नवाचार है। उम्मीद करते हैं मंत्री जी, जब जब आप मिलेंगे तो ऐसे कई नवाचारों को आप लेकर आएंगे जिनको हम जनता तक पहुंचाएंगे, जिनका फायदा हमें मिलेगा। इस मंच पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है हमारे बीच जो हमारे लीडर्स हैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए, उनको फेलिसिटेट करने का, उनको सम्मानित करने का। और अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी स्टेज पर, हमारे बीच हैं मिस्टर सागर सिंह, हेड एडमिशंस मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, विच इज़ अ लीडिंग यूनिवर्सिटी इन MP प्रोवाइडिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। शिवानी अग्रवाल, Executive Director from Sage University, most innovative and vibrant university in Central India. Give a huge round of applause for her. Ms. Isha Patel, Executive Director from Madhyanchal Professional University, leading agricultural university, Central India. Engineer Vinod Yadav ji, who is a chairman, and Aditya Yadav ji, who is MD from Millennium Group of Institutions, most trustworthy institute of Central India. Mr. Sanjay Gupta, who is a director from Nirman IAS, most trusted IAS coaching institute in Central India. And now I would like to call Mr. Ambikeshwar Pandey, who's a director admissions, and Akash Dubey, who's director PR LNCT group. LNCT, true promising, most promising university in Central India. Zohar Talia. Dr. Sangeeta Johri, who's a pro vice chancellor from Rabindranath Tagore University, leading university in MP with quality research and technology. Mr. Ashish Singh, who is a director from UK Publication, Innovative Children Books Publication, UK Publications. Mr. Vijay Patil, who is a founder director from Vijay Patil Classes, leading institute for IIT JEE coaching in Bhopal. Mr. Avinash Sharma, who is executive officer from Shriram Institute of Information Technology, leading institute in academics, excellence and placements in Gwalior Chambal region. Mr. Ankit Seth, who's co-founder from the Champaran House, most innovative startup of Madhya Pradesh. Shri Madhav Mantri ji, principal, Garima Vidya Vihar Senior Secondary School, most trusted school of Central India. Rawatpura College, Datia, most trusted institute for quality education in Central India. And LIC, Zindagi Ke Saath Bhi, Zindagi Ke Baad Bhi. Ek baar zordaar taaliyan hamare sabhi awardees ke liye. Aur main aap se DJ se guzarish karungi, jo kripya mantri ji ko sammanit karein. Hamare beech, hamare mukhya atithi. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने इतना कीमती समय इस मंच को दिया। अब वक्त है इस कार्यक्रम को विराम देने का। दिस इज भावना शर्मा, योर एंकर, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।